मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट आर मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे चल कुंडल धारा मापी भी कहा जाता है और इसकी सहायता से किसी भी परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा की उपस्थिति को देखा जाता है और मेजर किया जाता है। तो मेजर करने के लिए इसे बनाया जाता है अमीटर में। यह किस प्रिंसिपल पे आधारित है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए करंट कैरिंग लूप आर क्वायल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस ए टार्क। अर्थात जब किसी भी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके ऊपर एक टार्क प्रोड्यूस होता है। इसी सिद्धांत पर यह चल कुंडल धारा मापी कार्य करता है। ये इसका फिगर है। ये दो टर्मिनल आप देख रहे हैं। इन दोनों टर्मिनल में ये टर्मिनल T1 और ये टर्मिनल T2 दिखाया गया है। ये एक टॉर्सन हेड है जो कि फास्फर ब्रांच वायर स्ट्रिप से जुड़ा होता है। यह एक मिरर होता है और यह मिरर आप देख रहे होंगे कि ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्वायल के फेरे लपेटे जाते हैं और इसे इस तरह से लटकाया जाता है और यह एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होता है और इस पूरे सेटअप को रेडियल फील्ड अर्थात ये देख रहे होंगे N और S जो मैग्नेट है यह रेडियल फील्ड प्रोवाइड करता है। अर्थात इस क्वायल पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। इसके फलस्वरूप जो टार्क होगा टाउ इक्वल्स टू NIAB होगा। अब यह कार्य कैसे करता है? जैसे ही इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वैसे ही इस क्वायल के ऊपर टार्क प्रोड्यूस होता है और यह क्वायल टार्क की वजह से रोटेट होती है और इसमें आयठन होता है, ट्विस्ट होता है। इस ट्विस्ट होने के कारण ये मिरर फास्फर ब्रांच से जो जुड़ा हुआ है टॉर्सन हेड के थ्रू ये रोटेट करता है अर्थात इसका डिफ्लेक्शन होता है। जितनी अधिक इसमें करंट फ्लो कर रही होगी उतना ही ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा। थ्योरी एंड वर्किंग। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू क्वायल देन इट एक्सपीरियंस ए टार्क विच इज NIAB साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वायल विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन साइन 90 कम्स टू 1। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन फील्ड विल बी रेडियल दैट इज सिलिंड्रिकल पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड हेंस टाउ इक्वल्स टू NIAB विच इज ऑल्सो नोन एज डिफ्लेक्टिंग टार्क। व्हेन क्वायल गेट्स डिफ्लेक्टेड द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड। स्प्रिंग में ट्विस्ट होता है एंड रेस्टोरिंग टार्क इज डेवलप्ड इन इट। इफ के इज रेस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट देन रेस्टोरिंग टार्क फॉर डिफ्लेक्शन फाई इज गिवन बाई टाउ डैश इक्वल्स टू K5। इन इक्विलिब्रियम ऑफ द क्वायल मीन्स संतुलन की अवस्था में डिफ्लेक्टिंग टार्क और रेस्टोरिंग टार्क दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। दैट इज NIAB इक्वल्स टू K5 एंड I इक्वल्स टू K5 अपॉन NAB विच इज ऑल्सो रिटेन एज I इक्वल्स टू G5 वेयर G इक्वल्स टू K अपॉन NAB विच इज कॉन्स्टेंट एंड नोन एज गैल्वानोमीटर कॉन्स्टेंट। सो I प्रपोर्शनल फाई मीन्स जितनी अधिक धारा प्रवाहित होगी करंट की स्ट्रेंथ जितनी अधिक होगी इसमें डिफ्लेक्शन उतना ही अधिक होगा। दस डिफ्लेक्शन ऑफ द क्वायल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। ए गैल्वानोमीटर इज सेट टू बी सेंसिटिव
इफ़ ए स्मॉल करेंट फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल ऑफ गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसेस ए लार्ज डिफ्लेक्शन इन इट, किसी भी गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव या सुग्राही तब कहा जाता है जब कम धारा प्रवाहित होने पर भी उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन आए। तो इस तरह सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर दो तरह की होगी, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी और दूसरी करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सो करंट सेंसिटिविटी आई एस इक्वल्स टू फाई अपान आई, फाई की वैल्यू और आई की वैल्यू पुट करेंगे, एन ए बी अपान के। अब इसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी इंक्रीज्ड बाई इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स विद इन लिमिट, एक लिमिट में ही इसको हम बढ़ा सकते हैं। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉयल, इसे भी एक लिमिट में ही बढ़ा सकते हैं। डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के, के की वैल्यू को कम करके। वोल्टेज सेंसिटिविटी, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड इट। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस इक्वल्स टू फाइव आई वी एंड वी इक्वल्स टू आई आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल। सो इट कम्स टू एन ए बी अपान के आर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल। इट कैन बी आल्सो इंक्रीज्ड बाई इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, नंबर ऑफ टर्न्स एन, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉयल ए, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स कॉन्स्टेंट के एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ द कॉयल, बिकॉज वी एस इनवर्सली प्रपोर्सनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल। सो वी आर लुकिंग हियर दैट वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करेंट सेंसिटिविटी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। आई एस इक्वल्स टू फाई अपान आई विच इज इक्वल टू एन ए बी अपान के एंड वी एस इक्वल टू फाइव आई वी। सो फाई अपान आई आर दैट इज एन ए बी अपान के इन टू वन बाई आर। देयर फोर वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू वन बाई आर टाइम्स द करेंट सेंसिटिविटी, मीन्स वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करेंट सेंसिटिविटी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड विच इज वी एस इक्वल्स टू वन बाई आर इंटू आई एस।